और कौन कौन भागा? बाइक एक सारे भागे, अपन तीन बाइक के बचे तो भाई ये चेक करो ये अपनी MT-15 और भाई एग्जॉस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा एग्जॉस्ट अपना उतार दिया है, बैंड पाइप समेत का भाई, बैंड पाइप लगा के भी क्या करना था क्योंकि ये तो पूरा एकदम ज्वाइंट ही होता है एक साथ, ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई व्लॉग, होपफुली आप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई अभी हम यहाँ से थोड़ी प्यारी सी छोटी सी राइड पे निकलने वाले हैं, और उससे पहले भाई अभी आप लोग को एक चीज बता देता हूँ जो मैंने अपनी बाइक में चेंज करा दिया। देख ही लिया होगा तो भाई मैंने यार अपनी बाइक का एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करा दिया है, और इसका भी क्या रीज़न नहीं है वो मैं आप लोग को भी ब्लॉग में बने रहना वो सब आपको बताऊंगा। और भाई अभी आप सब लोग जैसे देखा ही होगा कि हम लोग सोलन गए थे, और आते वक्त हमारा चलान वगैरह कटा था लेकिन उसकी कोई वीडियो नहीं थी, तो मेरे एक दोस्त ने क्लिप वगैरह बनाई थी, ठीक है। तो वो क्लिप अभी उसने मेरे को बाद में बताई, वरना मैं पहले वाले ब्लॉग में डाल देता, लेकिन अभी मेरे को क्लिप मिली है तो भाई पहले आप जाके अली क्लिप देख लो। और कौन कौन भागा? बाइक एक सारे भागे, अपन तीन बाइक के बचे तो भाई अभी आपने जैसे क्लिप देख ही ली होगी, तो भाई और भाई चलो अब तो जो हो गया हो गया, और भाई अभी राइड पे निकलते हैं और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो भाई ये चेक करो, बुलेट रॉयल इनफील्ड 500 cc, और इसकी भी आप लोग को भी डिटेल वगैरह देंगे तो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। तो अभी निकलते सीधा राइड पर और सीधा आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉग के सेटअप पर, तो भाई लेट्स गो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपनी बुलेट पर, और भाई अभी ये बुलेट जो अपनी है 500 cc है, तो भाई जैसे कि आपको पता ही है अभी मार्केट में बंद हो चुकी है बाइक, और भाई बाइक चलाने में एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है। तो आज का मोटो ब्लॉग हमारा इसी बाइक के ऊपर होने वाला है, और वो भाई देखो अपना अनमोल भाई अपनी MT चला रहा है। तो भाई दोनों भाई ब्लॉग करने के लिए निकले, एक प्यारी सी राइड करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पंचकूला की तरफ जाएंगे और भाई राइड वगैरह करेंगे प्यारी सी। भाई अभी हमने यार अपना चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया, और भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एक प्यारी सी राइड के लिए, जैसे आपको पता ही है। और भाई यार बुलेट चलाने में एकदम लाइट वेट लग रही है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है चलाने में, और भाई एकदम कंफर्टेबल बाइक है अपनी, ठीक है। तो अभी यार अपने हरियाणा साइड जाएंगे, वहाँ पर अपने रील वगैरह शूट करेंगे, और आपको थोड़ी बुलेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देंगे वहाँ चल के, और आपको अपनी बाइक के एक दोस्त का सीन भी बताएंगे जो अपने साथ हुआ और चेंज जो हमें करना पड़ा तो वो भी बताएंगे। तो भाई ये करिए अपनी बाइक की लुक चेक करो साइड में, और भाई अभी चलो देखो भी आगे से देख रहे हैं पलट के, भाई रिएक्शन तो बहुत तगड़े आते हैं बाइक्स पर, आपको बताइए जैसे कि अपनी टायर रखते हो। तो भाई अपने यहाँ से निकलते हैं भाई, एकदम यार तुम्हारा भाई भी चाहिए एकदम कट कुट मार के निकालने की कोशिश करेगा अभी। और भाई यार जैसे कि आपको पता ही है हमने अभी इससे जो पिछला व्लॉग आपने देखा था हमारा राइड का व्लॉग था जो हम अपने सोलन गए थे, तो भाई हमारी बहुत अच्छी राइड हुई, बस आते वक्त थोड़ा बहुत सीन हो गया था यार। अब वो सीन यार क्या ही हुआ था आपको मैंने पिछले व्लॉग में बता ही दिया, जिसने नहीं देखा वो व्लॉग एक बार चेक कर लेना जिससे पहले वाला व्लॉग होगा। और भाई यार मतलब क्या ही बोले भाई, चलान हमारा बेमतलब का कटा था जो दिन कटा था, पर कोई नहीं भाई। भाई अभी हम अपने 2K के भाई बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जल्दी जल्दी हमने 2K भी करा दो यार, ताकि बाइक में कुछ
कराया जाए, ठीक है, जैसे टूटे होंगे कुछ ना कुछ छोटी चीज़ कराएंगे, पर कराएंगे ज़रूर अपनी बाइक में एक अच्छी सी चीज़। और भाई जल्दी जल्दी अपने टू के कराओ। और भाई यार आते से ज़्यादा बंदे तो भाई सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो यार। और भाई बाइक चेक करो एक बार अपनी। और भाई बुलेट भी अभी आपको इसके बाद में इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो भाई अभी हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, तो भाई यहाँ से अभी अपने थोड़ी देर लोकेशन रह गई जहाँ पर हम अपनी वीडियो वगैरह और शूट करेंगे, रील वगैरह। और भाई ये थी अपनी वो लोकेशन जहाँ पर अभी हम रील वगैरह शूट करने वाले हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते हैं और आपको थोड़ी अपनी बुलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपनी बाइक एमटी के बारे में बताएंगे भाई क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने सेक्टर 5 पंचकूला हरियाणा में। तो भाई अभी यहाँ पर ये देख लो खाली प्लेस है एकदम। तो भाई यहाँ पर हमने अपनी बाइक वगैरह लगाई है और आपको थोड़ी बुलेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मतलब क्या बुलेट है, कौन सा मॉडल है। तो भाई चेक करो, रॉयल इनफील्ड 500 cc और भाई 2016 मॉडल है ये, ठीक है। और बाइक भाई बहुत ज़बरदस्त है, कलर चेक करो भाई, बहुत रेयर कलर आते हैं, अब तो कलर आते ही नहीं मेरे ख्याल से, सिल्वर, ठीक है। और 500 cc भी अब बंदी हो चुकी है। और भाई गाड़ी एकदम ओके, अभी आपने मोटर व्लॉग देखा भाई, एकदम ओके बाइक चल रही है। भाई वेट वैसे कि इसका हैवी है लेकिन लाइट वेट लगता है चलाने में एकदम। और भाई इसका मतलब बैठने का पोजीशन भी बहुत अच्छी है, मतलब एकदम कंफर्टेबल है चलाने में। और भाई मेरे को इसमें एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी, तो चेक करो भाई जो अपना ये रेस है ना, यहाँ से रेस देते हैं यहाँ पर, देखो ये घूमता भाई, मतलब रेस की वायर वायर कुछ होगी, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना भाई क्या चीज़ है। बाकी भाई बाइक की एक बार लुक चेक करो, ठीक है। तो भाई बाइक भाई बहुत औसम है, चलाने भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, ठीक है। मेरे दोस्त की है, मतलब वो भी किसी, मतलब उसकी भी नहीं है, किसी दोस्त की है उसके भी, लेकिन भाई बाइक एक नंबर है, ठीक है। और तो भाई बाइक बताना आप लोग को कैसी लगी है। और भाई अभी हम यहाँ रील वगैरह शूट करेंगे और भाई अभी आपको ब्लॉग वगैरह देखते आगे, अभी अपनी एमटी में भी थोड़ा ब्लॉग कर लेंगे, मोटो ब्लॉग कर लेंगे, ठीक है थोड़ा। तो भाई अभी घर की तरफ ही जाएंगे, यहाँ से थोड़ा रील वगैरह बना के। और भाई आपको मैं अपनी एक MT15 का एक दोस्त के बारे में बता देता हूँ, मतलब क्या हुआ मेरे साथ एक दोस्त का सीन भी। तो भाई चलो आपको एक दोस्त के बारे में बता देते हैं कुछ। तो भाई ये चेक करो ये अपनी MT15। और भाई एक दोस्त, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा एक दोस्त अपना उतार दिया है, बैंड पाइप समेत का भाई, बैंड पाइप लगा के भी क्या करना था, क्योंकि ये तो पूरा एकदम ज्वाइंट ही होता है एक साथ, ठीक है। तो भाई रीज़न यही था यार एक दोस्त वगैरह हटाने का भाई, जो सबका रीज़न होता है भाई, फैमिली भाई घर में बोल रहे थे सब क्या लगा रखा है ये वो, तो इस करके हमें उतारना पड़ा। और भाई ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज भी कर देना चाहिए भाई, रेगुलर लगा के रखोगे तो आपको इंजन में भी फ़र्क आएगा, तो हो सके तो भाई अपना टाइम टू टाइम चेंज करो, मतलब वो भी हम लगाएंगे चलाएंगे, तो मतलब टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। तो भाई यही रीज़न था, ज़्यादा कोई बड़ा रीज़न नहीं था कि भाई एक दोस्त वगैरह में दिक्कत आ रही थी, एक दोस्त एकदम ओके था। और भाई अपना एक दोस्त भी अच्छा ही था, हमने तो उतार दिया वो, और थोड़ा मेरा क्रैश भी हुआ था जैसे कि आपने देखा ही होगा ब्लॉग मेरा। और भाई अभी इस पे करते हैं थोड़ा सा मोटो ब्लॉग वगैरह, तो भाई चलते सीधा मोटो ब्लॉग करते हैं इस पे भी थोड़ा सा अपनी बाइक पे भी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी MT15 पर, और भाई अभी यहाँ से करते हैं ज़्यादातर मोटो ब्लॉग अपनी बाइक पर। और भाई अभी यहाँ से चलते हैं एकदम रात से यार, क्योंकि ओवर स्पीड का वो पता है यार आजकल क्या चल रहे हैं, जिस करके हम ओवर स्पीड नहीं करेंगे, एकदम आराम से चलेंगे। तो भाई यहाँ पर थोड़ी बाइक भगा लेते हैं यार, मतलब कितने रुक रुक के भी कितने हम स्पीड में चल पाएंगे यार। अब बाइक लिया तो भाई थोड़ी बहुत तो ओवर स्पीड करनी पड़ेगी यार, पर भाई हम भी अपने लिमिट में करते हैं, ये नहीं कि भाई ओवर ज़्यादा ओवर ही चल जाते हैं भाई, अपने भी देख लें अपने करके हम आराम से चलते हैं। और अपना भाई भी पीछे आ रहा है अपना अनमोल भाई, तो बुलेट पे चल रहे हैं अपनी। तो भाई आपको बुलेट दिखा देते यार, आज का व्लॉग अपना यही था। और भाई अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, ऐसे आपके लिए प्यारे प्यारे व्लॉग लेके आते रहेंगे हम लोग। और भाई चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है भाई और ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट प्यारी सी राइड पे, मोटो व्लॉग।
बाइक, इतने देर बाइक लोग।